हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे गंजापन के बारे में, बाल झड़ने के बारे में। बाल झड़ने की समस्या जिसको होती है उनको बेहद परेशान करती है और चिंता की विषय बन जाती है, और यह डर लगा रहता है कि कहीं हम किसी दिन इन झड़ते बालों की वजह से गंजे ना हो जाए। पहले गंजापन बूढ़े होने की निशानी मानी जाता था, लेकिन आजकल ये समस्या युवावस्था में भी देखी जाने लगी है। ये परेशानी खराब जीवन शैली, पोषक तत्वों की कमी और तनाव की वजह से देखने को मिलती है। ये समस्या पुरुषों में बेहद आम होती है, इनके साथ भी अब महिलाओं में भी ये परेशानी देखी जाने लगी है, जो एक शर्मिंदगी के कारण बनती है। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा आप घर में मौजूद सामग्रियों से भी अपने गंजापन को समस्याओं को रोक सकते हैं। तो आज हम आपको कुछ घरेलू उपाय बताने वाले हैं जिनके इस्तेमाल से आप गंजापन के परेशानी के इलाज कर पाएंगे। दोस्तों, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिप्स नंबर 1, नारियल। नारियल को पीसकर इसका रस निकालें और रोज़ इसे सिर के स्कल्प की मालिश करें। इससे बाल झड़ने कम होंगे और गंजापन से बचाव हो जाएगा। टिप्स नंबर 2, मेहंदी। मेहंदी के पत्तों को सरसों के तेल में उबाल ले और इसे ठंडा कर ले। इसे सिर के मालिश करें और उस पर लगाए, आपके गंजापन बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा। टिप्स नंबर 3, आंवला। आंवला में विटामिन सी अच्छे मात्रा में होता है, जिससे बाल तेज़ी से बढ़ते हैं। आंवला का पेस्ट बनाकर इसमें नींबू का रस मिलाए और इसे नियमित रूप से स्कल्प पर लगाकर छोड़ दें। कुछ ही दिन में आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे और आपका बाल लंबा और घना भी हो जाएगा। टिप्स नंबर 4, मेथी। मेथी से बालों को बनाने वाले हार्मोन बढ़ते हैं, इसलिए इसका सेवन बालों के लिए फायदेमंद है। इसका पेस्ट बनाकर रात भर छोड़ दे और सुबह एक घंटे तक स्कल्प पर लगाने के बाद शैम्पू कर ले। इससे आपके बालों का झड़ना बंद हो जाएगा और आपका बाल तेज़ी से बढ़ेगा और डैंड्रफ भी ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एकदम ये घरेलू और हर्बल होता है जिसका किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये अपना कहीं आप लोग को बताया जाता है, जिससे आप लोग को 100% रिजल्ट